क्षेत्र के सुनबर सराय में कालाबाजारी को जा रहे राशन डीलर पर छापामारी कर ग्रामीणों की मदद से 100 नंबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बताया जा रहा है कि मौके से लगभग 30 से 35 कट्टे सहित एक गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं राशन डीलर और गाड़ी चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस और संबंधित अधिकारी जाँच में जुटे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राशन का डीलर पूर्व समय से ही राशन की चोरी करता था। राशन की कालाबाजारी के चलते ग्रामीणों को नहीं देता था पूरा राशन। मामला थाना धनारी क्षेत्र के सुनवर सराय गांव का है। 100 नंबर पुलिस ने थाना धनारी क्षेत्र के गांव छपरा से पकड़ी राशन भरी गाड़ी। कालाबाजारी हो रही है तो हमने पकड़वा के अपना फर्ज पूरा किया है जो आम आदमी का होता है। बाकी पुलिस और प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, जो ये करेंगे वो ठीक ही करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वो ठीक होगी। हम ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और इसका कोटा सस्पेंड हो, किसी दूसरे आदमी को कोटेदार नियुक्त किया जाए, चाहे वो कोई भी। कार्यों की मिली भगत है, मेरे पास ऐसे गांव के कुछ पेपर हैं, मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूं कि एफिडेविट बने हुए हैं और उनके जो है का स्टाम्प पेपर के समेत उनको दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने एक बार हमारी वहां बुला के और जो है का उसकी रिपोर्ट भी लिख लगाई थी और कहा था कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट दे जाओ जिन जिनके राशन कार्ड हैं। तो मैंने कहा चलो भी ले लो, उनकी 12-13 लोगों की लगाई, लेकिन उसको भी लगभग 8-9 महीने के समथिंग हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं घर से दुकान से माल भरवा रहा था, टेम्पू सवारी मार टेम्पू मार के इसके घर पर दुकान पे माल भरा था, माल भर रहे ये लोग। तो देखने वाले ने बताया, बोले कि ये टेम्पू माल भर जा रहे हैं। वहाँ मौके पहुँचे, पहुँचने के बाद हमने 100 नंबर फ़ोन किया, 100 नंबर फ़ोन करने के बाद 100 नंबर लेट हो गई, फिर जो टेम्पू निकाल ले गया। इस मामले के खुलासे से गांव में सनसनी फैल गई। लोगों को भी पता चल गया कि उनके हिस्से का राशन कहां जा रहा था। रेणुका राजपूत के साथ गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट, तेज निगाह जनपद संभल।